हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपी, इंस्टेंट ग्रीन चटनी की रेसिपी लाई हूँ। क्या है ना कि हमें जब भी ग्रीन चटनी की ज़रूरत होती है, हम तुरंत बना नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी ज़रूरत रहती है और उसके लिए हमें बहुत सारा धनिया वगैरह चाहिए रहता है। और कभी कभी घर में हरा धनिया रहता भी नहीं है, ऐसा भी हो जाता है, तो हम बिना ग्रीन चटनी के भी काम चला लेते हैं। तो फिर आप ये बना के रखिए घर में, एक महीने तक ये ख़राब नहीं होती है, इसे फ्रिज में एक महीने तक स्टोर कीजिए, और जब भी थोड़ी सी चटनी या ज़्यादा चटनी जैसी भी ज़रूरत हो आपको, आप तुरंत बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनी थी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हरा धनिया ले लेंगे और उसे अच्छे से धो लेंगे। ध्यान रखें इसे अच्छे से धोइए, मिट्टी विट्टी रहती है उसमें, इसलिए हमें अच्छे से 3-4 बार इसे अच्छे से धो लेना है। और फिर इसे एक कॉटन के कपड़े पे सुखाने के लिए, इसका पानी सुखाने के लिए इसे रख देना है। ये देखिए मैंने इसका पानी सुखा लिया है, और फिर मैंने इसे ना फ्रीज में रख दिया था, ऐसी प्लेट में रख कर फ्रीज में खुला रख दिया था पूरे 1 दिन के लिए। और तो इसका थोड़ा ये इस तरह से हो गई है, इसका मॉइस्चर एकदम कम हो गया है। तो चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसे हम अच्छा बारीक बारीक कट कर लेंगे। इसे बारीक कट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर रेसे इसके ज़्यादा रह जाते हैं। तो ये देखिए इसे ऐसे बारीक बारीक कट कर लीजिए सबसे पहले, फिर हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे पूरा। ये मैंने हरी मिर्च ले लिया है, ये मतलब कि हम थोड़ी पुरानी सी हरी मिर्च हो जाती है ना, थोड़ी हल्की सी सूखी सी हो जाती है रखे रखे, वो वाली ली है मैंने 4। मतलब उसमें भी हमें देखना है अंदर से काला नहीं हो वो और अच्छी हो। तो ये टेस्ट के अनुसार डालिए आप, आपको जितना मतलब तीखा चाहिए हो। तो आधा चम्मच मैंने जीरा ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक का पाउडर है, आधा चम्मच अदरक का पाउडर ले लिया है। अगर अदरक का पाउडर अवेलेबल ना हो तो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, एकदम थोड़ा सा। और ये चने की मतलब दालियाँ ले लिया हमने, जो भुने हुए चने रहते हैं उसके छिलके निकाल कर, और इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए ये अच्छा पाउडर सा हो गया है, लेकिन हल्का सा मॉइस्चर जैसा है ये। तो हम इसमें इसे अभी एक बड़ी सी प्लेट में डालेंगे और इसे थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे। इसे हम 6-7 घंटे ऐसे छोड़ दीजिए, इसे कहीं भी रख दीजिए घर में सूखने के लिए, या हल्की फुल्की कहीं धूप हो तो उसमें थोड़ी सी देर रख दीजिए, या फिर ओवरनाइट रख दीजिए। मैंने इसे ओवरनाइट रखा था क्योंकि मैंने रात में बनाया था इसे। ये देखिए ये सुबह इस तरह से हो गया था, एकदम अच्छा सा पाउडर बन गया था ये। फिर मैंने इसे छाना है। अब ये देखिए इसे ना वो आटा छानने वाली जो चलनी आती है उससे हम अच्छे से छान लेंगे, और जो ये ऊपर से निकलेंगे थोड़े थोड़े रेसे उसे ऐसे दबा दबा के जितना निकल सके उतना निकाल लेंगे, और ये बाकी के जो बड़े रेसे हैं वो हम हटा देंगे। ये देखिए इसमें कुछ वो चने के दाने भी हैं और ये रेसे भी हैं उसके धनिया पत्ती के, क्योंकि हमने धनिया पत्ती के डंठल का भी यूज़ करा था इसमें थोड़ा थोड़ा, एकदम ज़्यादा पत्ती पत्ती नहीं निकाली थी। ये देखिए इसे एक कंटेनर में रख देना है एयर टाइट में। अब मैं आपको ये बनाकर भी बताऊंगी कि इसे कैसे यूज़ करना है। देखिए अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो जब आप पीस रहे थे तो 2 लहसुन इसमें छोटे छोटे डाल सकते हैं, है ना, पीसते समय। ये देखिए ये इसमें मैंने थोड़ा सा यूज़ कर बता रही हूँ आपको, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन दिखाना था मुझे। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर आपको खट्टा फ्लेवर पसंद है तो यहाँ पर आप 1-2 बूंद नींबू डाल दीजिए, या फिर दही, आप चटनी में दही यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने तब नमक नहीं डाला था, अभी हमें जैसा जितना नमक चाहिए मतलब स्वाद अनुसार उस वैसे नमक डालिए आप। ये इंस्टेंट चटनी की रेसिपी रेडी है हमारी, ये बहुत अच्छी बनती है, मतलब बहुत काम आती है तुरंत के लिए, जैसे इतनी सी चटनी की हमें ज़रूरत है ब्रेड वगैरह में लगाने के लिए, सैंडविच में, तो अब कहाँ बनाने बैठेंगे। तो ये आप बनाइए और तुरंत इसे यूज़ कीजिए। बाय।